कोई भी काम करने वाला नहीं तेल, चाहे कोई भी तेल लगा लो। मैंने पूरा बाल निकलवा दिया, मैंने अपना सर मुड़वा दिया, तब मैं लगाना शुरू किया। कैसे चेक किया जाए कि वाकई मेरा बाल गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? अच्छे से ऐसे शैम्पू करता था और शैम्पू करने के बाद हाथ में देखता था। तो फाइनली मैंने 2 बोतल ख़त्म कर दिया है। इस तरह से मेरे जो बाल हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। आपको बता सकता हूँ कि मेरे बाल जो हैं गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं इस तेल से, आदिवासी तेल से। मेरा डैंड्रफ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि ये तेल में स्मेल आता है, तो अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे आदिवासी तेल का फाइनल रिजल्ट। जी हाँ, फाइनल रिजल्ट, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब पूरी बोतल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम आधा बोतल बचा हुआ था। मैंने 2 बोतल मंगाए थे, उसमें से एक ख़त्म हो गया था और दूसरे वाले में से सिर्फ आधा बचा था। तो मैंने बताया था कि जब ये आधा बोतल ख़त्म हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगा इसका फाइनल रिजल्ट वाला वीडियो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अंत तक मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया, कहाँ से मंगाया, मेरे बालों के ऊपर कितना इफ़ेक्ट किया है, कितना इसने काम किया है, और ये तेल कैसा है, काम करता है या नहीं करता है, ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कहाँ से मंगाया, कैसे मंगाया और कब स्टार्ट किया और कितने दिन हो गए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मेरे पास 2 बोतल हैं आदिवासी के, आप देख सकते हो। ये मैंने 2 बोतल मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाया था, और ये मंगाया था आई थिंक 2 महीने पहले। तो ये दोनों बोतल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, एक भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि मैंने बोला था जब तक ये दोनों बोतल ख़त्म नहीं करूंगा तब तक मैं आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट नहीं बताऊंगा। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि ये बताता हूँ। बोतल भी ख़त्म हो गया है और मैंने इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बोतल है खाली हो गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कब मंगाया था। ये मैंने मंगाया था 2 महीने पहले, और मेरे तब बाल इतने बड़े बड़े थे, और इतने बड़े बड़े बाल थे और काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे बाल। और ये नहीं कि सडनली स्टार्ट हुआ, काफ़ी टाइम से गिर रहे थे मेरे बाल, काफ़ी टाइम से उसके अंदर थिकनेस आ गई थी, काफ़ी पतले हो गए थे, और डैंड्रफ का इशू आ गया था, और हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये सारी चीज़ें थी। दोस्तों इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे तेल, काफ़ी सारे शैम्पू, काफ़ी सारे होम रेमेडीज मैंने इस्तेमाल किया था, बट इसके जो एड आते थे मैं देख के मैं सोचा ये क्या है, ये वाकई में काम करता है नहीं करता है। मैंने फाइनली एक दिन सोचा और मैं सोचा कि ये तेल भी एक दिन मंगा ही लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं यूज नहीं करूँगा, जब तक मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये वाकई में काम करता है या इसका जो दावा है वो सिर्फ ऐसे ही फॉल्स है या फिर झूठा है या फिर वाकई में काम करता है या सच है, इसमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए मैंने ये बोतल मंगा लिया था। वैसे तो मैं नहीं मंगाने वाला था, बट मैं सोचा कि क्या सच में काम करता है या क्या पता वाकई में मेरे ऊपर काम कर जाए, तो मैं मंगा ही लेता हूँ, तो मैंने इसलिए मंगा लिया। तो मैंने मंगाया था 2 महीने पहले, और मेरे तब इतने बड़े बड़े बाल थे और काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको जब मैं लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो तेल होते हैं या शैम्पू होते हैं या सीरम होते हैं, जब आप लगाते हो तो बालों के ऊपर ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि आपके जब बाल हैं, क्योंकि आपके जो बाल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी हाथ में लेते हैं और ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा किया और छोड़ दिया। तो वो जो तेल होते हैं या शैम्पू सीरम जो भी होता है वो क्या होता है कि बालों के ऊपर ऊपर ही रह जाता है, और जो तेल सीरम होती है और जो भी रेमेडीज होती है वो जड़ों तक नहीं पहुँचता है। तो मैंने फैसला किया कि मैं क्यों ना अपना बाल ही निकाल दूँ, क्योंकि बाल रहेगा तो मैं ऊपर ऊपर लगाऊंगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं लगा के, और इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं, और कोई भी काम करने वाला नहीं तेल, चाहे कोई भी तेल लगा लो। तो मैंने सोचा कि मैं बाल ही निकाल देता हूँ। तो मैंने सैलून में गया और मैं पूरा बाल निकलवा दिया, मैंने पूरा बाल निकलवा दिया, मैंने अपना सर मुड़वा दिया, और तब मैं लगाना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अब मैं लगाऊंगा तो ये वाकई में काम करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बाल नहीं है, जो सिर्फ स्काल्प है, तो स्काल्प के ऊपर अगर लगाऊंगा, ओवरनाइट रखूंगा, तो ये प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि आपके ऊपर बाल नहीं है तो ये जो तेल है वो जड़ों के अंदर घुसेगा, जो स्काल्प होते हैं स्काल्प के अंदर जाएगा, तो ये सही काम करेगा। इसके लिए मैंने बाल निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया धीरे धीरे। मैं रात को लगाता था और सुबह में धो लेता था। तो मैं शैम्पू से धोता था 2 दिन के बाद, हर 2 दिन 3 दिन पे शैम्पू यूज करता था,
लेकिन तेल दही लगाता था रात को, ओवर नाइट रखता था, और सुबह में इसको वॉश कर लेता था सादा पानी से, नॉर्मल पानी से धो लेता था, और हर 2 दिन के बाद फिर शैम्पू से भी धोता था। बट डेली शैम्पू यूज नहीं करता था मैं, ऐसे नॉर्मल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया मैंने, कोई खास ऐसा शैम्पू यूज नहीं किया है। सो उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया, और फिर जब मैंने लगाना शुरू किया, मेरी जो समस्या थी बालों के ऊपर, जो गिरने की, जो हेयर लॉस होने की सबसे मेजर जो समस्या थी वो थी डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी थिन हो गए थे, काफ़ी पतले हो गए थे, और जड़ें जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले, सबसे पहले मुझे डैंड्रफ ख़त्म करना है, और डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए मुझे बाल निकाल देने में ही भलाई है। तो मैं सैलून में गया और बाल निकाल दिया, और बाल निकालने के बाद दोस्तों मैंने स्पा भी कराया था, काफ़ी अच्छे से मैंने बोला सैलून वाले को, उसने काफ़ी पूरा अच्छे से स्पा किया बाल निकालने के बाद। उसके बाद उसने स्पा किया था, पूरा जो जड़ होते हैं अंदर जो ब्लॉक करके रखता है, जो जो डैंड्रफ की वजह से ना जो जड़े होती है, जिसमें जो एक तरह का ऑयल प्रोड्यूस करता है स्काल्प के अंदर से, जिससे बाल ग्रो होते हैं, वो चीज़ें ब्लॉक कर देती है डैंड्रफ। तो मैंने सोचा कि मैं बाल मरवा लूँगा, उसके बाद स्पा करवा लूँगा उसको, तो काफ़ी अच्छे से मसाज करके वो स्पा करेगा, तो जो जितने ब्लॉकेज होते हैं जड़ों के वो थोड़े खुल जाएंगे, और डैंड्रफ की थोड़ी सी जो एक लेयर होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बाल मुड़वा लिया, उसके बाद मैंने तेल लगाना शुरू किया। सो इस तरह से मैं लगाता गया, ओवर नाइट रखता था, सुबह में धो लेता था, 2 दिन के बाद शैम्पू करता था। सो इस तरह से मेरा चलता रहा, और धीरे धीरे जो बाल हैं वो बढ़ते रहे, और मैं इस तेल को यूज करता रहा। सो धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि हाँ बाल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, या तेल कितना काम कर रहा है। शुरू में मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, मैंने पूरा एक बोतल खत्म कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे बाल ही नहीं थे सर में, बाल नहीं थे तो बाल कहाँ से गिरेंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा बाल गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, हेयर लॉस प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैं तेल यूज करता रहा, और बाल धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैंने सारी चीज़ें अपने वीडियो में बताया है, जो प्ले लिस्ट है वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, शुरू से लेके जो मैंने 4 वीडियो बनाया है, और ये 5वां वीडियो है इस पर, ये फाइनल रिजल्ट वाला है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जब देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने कैसे बताया है और क्या क्या समझाया है उसमें। तो मैंने लगाना शुरू किया, और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये तेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाल गिर ही नहीं रहे थे, और डैंड्रफ भी नहीं था क्योंकि बाल नहीं थे मेरे सर में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं कैसे कर रहा। तो मैं सोचा कि थोड़ा जब तक बाल बड़े नहीं होंगे ना तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सोचा चलो लगाना काम नहीं करूंगा, कंटिन्यूसली मैं लगाता रहा, और धीरे 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 मेरे जो बाल हैं वो बढ़ते गए। तो धीरे धीरे बाल बढ़ते गए, जब बढ़ना शुरू हुआ तब जाके मुझे समझ में आया कि जो डैंड्रफ है वो कम हुआ है या नहीं कम हुआ है, जो बाल नहा रहा हूँ मैं, शैम्पू यूज कर रहा हूँ, तो मेरे जो बाल है हाथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हुआ कि अब मेरे जो बाल हैं, अब इसके बारे में मैं अपना एक एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ मेरा जो बाल है कितना कितना इसमें बदलाव आया है, ये तेल कितना काम किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ। सो दोस्तों मैं कंटिन्यूसली ये तेल यूज करता रहा, और बाल थोड़े जब बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि इसको कैसे चेक किया जाए कि वाकई मेरा बाल गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो मैं जब जब शैम्पू करता था, तो शैम्पू करने के बाद पूरा अच्छे से ऐसे शैम्पू करता था, और शैम्पू करने के बाद हाथ में देखता था कि मेरे हाथ में बाल आया है या नहीं आया है। नीचे तो मुझे नहीं दिखता था क्योंकि छोटे बाल है तो दिखेंगे नहीं आपको, तो ऐसे करके पूरे अच्छे से मैं देखता था कि मेरे जो बाल हैं वो हाथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो दिख जाएगा आपको, जो शैम्पू लगाते हो ऐसे करोगे पूरा लगाने के बाद तो आपको दिखेंगे कि हाँ बाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे बाल नहीं आ रहे थे, मुझे तब भी दिखाई नहीं दिया कि मेरा बाल आ रहा है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी अच्छा तेल है, काम कर रहा है, मेरे बाल तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। और डैंड्रफ जो है, तो डैंड्रफ शुरू में तो समझ में नहीं आएगा, क्यों शुरू में समझ में नहीं आया कि डैंड्रफ खत्म हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बाल नहीं थे तो डैंड्रफ नहीं रहेगा, जब बाल आपके बड़े होते हैं तो डैंड्रफ आना शुरू होता है। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो डैंड्रफ भी आना शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि ये डैंड्रफ खत्म किया है या नहीं किया, या किया भी है तो कितना परसेंट खत्म किया है। तो उस टाइम धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि जब तक पूरा बोतल ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो फाइनली मैंने 2 बोतल ख़त्म कर दिया है, और अब जो मेरे बाल हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने बाल, और देख सकते हो इस तरह से मेरे जो बाल हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे बाल जो हैं गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं।
तो दोस्तों हुआ ये कि अब मैं जब शैम्पू करता हूँ और नहाता हूँ, या फिर जब मैं तेल यूज करता हूँ, या फिर ऐसे हाथ लगाता हूँ सर के ऊपर, तो मेरे जो बाल हैं वो अब नहीं आते हैं। और जब नहाता हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ बाल, तो मेरे हाथ में बाल नहीं आते हैं। अगर आते भी होंगे तो छोटे हैं बाल, क्योंकि तो दिखता नहीं होगा। बट जब शैम्पू करता हूँ तो शैम्पू में एक दो मुझे दिखता है बाल, एक दो बाल दिखता है। और मतलब कि ये बोल सकता हूँ कि पूरी तरह से मेरा जो हेयर लॉस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा हेयर लॉस अभी भी हो रहा है और जो बाल हैं वो अभी भी आ रहे हैं। थोड़ा कुछ हद तक काम किया है, थोड़ा मतलब 20-25% तक काम किया है ये तेल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम नहीं किया है, 20-25% तक तो काम किया है। बट एक चीज़ जो सबसे इसकी बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये कि मेरे जो बाल थे काफ़ी पतले थे। जब मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, जब मैं यूज नहीं कर रहा था और सर मुड़वाने से पहले मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे। क्योंकि मैं बाल थोड़ा काफ़ी बड़ा मैं रखता हूँ, और उस टाइम मेरे बाल बहुत पतले थे, बहुत पतले, काफ़ी थिन थे। तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है, मेरे जो बाल के अंदर जो एक थिकनेस है वो आई है, जो थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब मोटा जैसा लग रहा है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मेरे जो बाल हैं काफ़ी पतले थे उससे थोड़ा बेटर हुआ है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि बाल जो है मेरे थोड़े मतलब कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग जैसा दिख रहा है। मतलब कि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा बाल थोड़ा सा मोटा हो गया है। काफ़ी पतले थे उस टाइम, तो समझ में नहीं आते थे, बट अभी ऐसा लगता है कि थोड़े बाल जो हैं थोड़े मोटे हो गए हैं। बट जो बाल चले गए हैं वो तो नहीं आने वाले, वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आया है बाल। जैसा था जितना था उतना ही है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मेरे बाल अगर कम हैं, थोड़े से घने नहीं हैं, तो मेरे बाल फिर से आ गए हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रहा हूँ आपको। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरा जो अनुभव है इसके साथ वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जो सेकेंड थिंग है, पहला तो बाल बाल में थोड़ी सी थिकनेस आई है, जरूर आई है। और दूसरा चीज़ है कि जो मेरे डैंड्रफ का इशू था, जो सबसे बड़ा इशू था, जो मेजर इशू था, वो डैंड्रफ का ही था। डैंड्रफ के वजह से ही मेरे बाल गिर रहे थे, और अभी भी गिरते अगर हैं तो वो डैंड्रफ के वजह से ही गिरते हैं। तो डैंड्रफ दोस्तों, डैंड्रफ ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ कि इस तेल से, आदिवासी तेल से, मेरा डैंड्रफ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। और मतलब शुरू में तो बाल नहीं थे, क्योंकि छोटे बाल थे तो डैंड्रफ ही नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि डैंड्रफ है ही नहीं, तो डैंड्रफ कहाँ से आएगा। जब बाल बड़े हुए तो अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरे जो डैंड्रफ है, अभी भी डैंड्रफ है, डैंड्रफ ख़त्म नहीं हुआ है। बाल थोड़े जरूर मोटे हो गए हैं बट डैंड्रफ खत्म नहीं हुआ। और जो बाल गिर चुके थे पहले वो आ जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाल तो नहीं आए भैया, जो बाल चले गए हैं, क्योंकि मेरे बाल जो ऑलरेडी गिर चुके हैं वो नहीं आया बाल, और वो ना आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। बाकी दूसरे लोगों को क्या एक्सपीरियंस वो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे जो बाल गिर गए हैं वो नहीं आए हैं। जो डैंड्रफ है वो डैंड्रफ भी ख़त्म नहीं हुआ है। बाल पतले थे उसको मोटा जरूर कर दिया है, उसको थोड़ा मोटा कर दिया है। और दूसरा चीज़ ये है कि बाल इससे काफ़ी तेज ग्रो हो गया है। मतलब कि जैसे धीरे धीरे बाल बढ़ते हैं ना, आप सर मुड़वाते हो तो आपके बाल काफ़ी टाइम के बाद निकलना या फिर ऐसा शुरू होता है। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तेल से थोड़ा जो मेरे बाल थे वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी तेज मतलब बढ़ा है, मतलब इतना जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा मैं सोचा नहीं था, तो ऐसा लग रहा है। और दोस्तों मैं ये बताना भूल गया कि मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि ये आपने कैसे मंगाया और कहाँ से मंगाया, इसका ओरिजिनल मैं कैसे मंगाऊँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ऑनलाइन जाओगे, सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ऑनलाइन अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं और से भी मंगा सकते हो, बट मैंने जो मंगाया था वो अमेजोन से मंगाया था। और मैं काफ़ी इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन सा सही है, कौन सा फेंक है, क्या है, तो उस हिसाब से मैंने इसको मंगाया था, और मंगाने के बाद मैंने लगाना शुरू किया। सो दोस्तों एक चीज़ और है इस तेल के बारे में बता दूँ कि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि ये तेल में स्मेल आता है या फिर सोने के बाद स्मेल आता है या नहीं आता है, या इसका कैसा स्मेल है। तो दोस्तों मैं ये बता दूँ कि इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर आप लगा के रात को सो रहे हो तो आपको कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील होगा कि इसका जो तेल की जो खुशबू है या इसकी जो फ्लेवर है वो सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल है।
आप लगा कर आराम से सो सकते हो, कोई स्मेल नहीं आना, कोई भी स्मेल नहीं आता है। मुझे तो कोई स्मेल नहीं मिला, नॉर्मल जैसा तेल लगाते हैं वैसा ही, बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं है, एकदम से नॉर्मल तेल है। और इसके दो तरह के तेल आते हैं, एक तो बड़ा सा बोतल आता है और या तो फिर इस तरह से आएगा, छोटे छोटे बोतल दो आएंगे, तो मैंने ये वाला मंगाया था। जो दूसरा होता है एक बड़ा सा बोतल होता है, थोड़ा इससे बड़ा होगा, तो वो दो के बराबर एक होता है। सो मैंने ये वाला मंगाया था और मैंने ये बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया है। तो अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं, अब मैं इसको नहीं मंगाऊंगा और ये प्रोडक्ट जो है मैं यूज करने वाला नहीं हूं। सो ये मेरा लास्ट था, अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा। और ये तेल क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं लगा, कुछ खास मुझे इसका असर नहीं दिखा, तो इसके लिए मैं अब नहीं मंगाऊंगा, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। अगर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और फिलहाल मैं इसको, मैं अब ख़त्म हो गया है तो मैं दूसरा नहीं मंगाने वाला हूँ और ना ही मैं इसके ऊपर कोई पैसा खर्च करने वाला हूँ। सिर्फ आपके बाल जो हैं थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और आपके जो बाल हैं थोड़ा मोटा हो जाएंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपके साथ कुछ और हो सकता है, शायद कुछ और मुझसे बेटर काम कर जाए, मैं ये बोल सकता हूँ, बट मेरे साथ जो हुआ है मैं ये बोल सकता हूँ। तो सिर्फ मुझे मोटा बाल नहीं चाहिए, इसके लिए मैं नहीं मंगाऊंगा। सिर्फ मुझे मोटा बाल से मतलब नहीं है, फिर बाल तेजी से बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे एक्चुअल में इसका जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला। और जो बाल गिर रहे थे, जो हेयर लॉस हो रहे थी, ऐसा नहीं कि ये तेल लगाने से खत्म हो गया मेरे बाल, बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल अभी भी गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि छोटा है तो अभी थोड़ा कम गिर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये बड़ा हो जाएगा बाल तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। बट ये बोल सकता हूँ कि 10% तक थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, उतना नहीं गिर रहा है, थोड़ा बहुत तो गिर ही रहा है बाल। बट जो मैं एक पूरी तरह से एक अच्छा इसका रिजल्ट ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला, जिस तरह से मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन की थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब दोबारा इस तेल को नहीं लगाने वाला हूँ, दोबारा नहीं मंगाऊंगा। आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हो, शायद आपके ऊपर इससे बेटर काम कर जाए, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर जाए, या फिर ना भी करे मैं कुछ बोल नहीं सकता। सो ये रहा आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरा आपको रिव्यू कैसा लगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे कमेंट में मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, फुल कोशिश करूँगा, और मैं करता भी हूँ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया था आप कैसे मंगाते हो, इसको कैसे मैं फेक है या ओरिजिनल है, कैसे इसको मैं आइडेंटिफाई करूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जवाब भी दिया कि आप ऐसे मंगा सकते हो, आप जब आप जाओगे इंटरनेट पे, आपको ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सो ये था, आगे मैं क्या करने वाला हूँ अपने बालों के लिए, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, सो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा जो भी करूँगा। और बाकी रही डैंड्रफ की, जो मेरे डैंड्रफ की इशू है, सो डैंड्रफ की इशू तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया है। तो मुझे जो मेजर प्रॉब्लम लगी थी मेरे बालों के ऊपर वो डैंड्रफ था, तो अगर डैंड्रफ कम कर देता कि हाँ चलो 50% डैंड्रफ कम कर दिया तो मैं इसको कंटिन्यू करता, बट डैंड्रफ ख़त्म नहीं किया है तो इसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। सो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, और ये रहा आपके सामने आदिवासी तेल, जो दावा करती है कि आपके बाल आ जाएंगे, घने हो जाएंगे, जो चले गए हैं वापस से आ जाएंगे। सो फाइनली मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया और मैं अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं खुद ही यूज कर लूँ, क्योंकि दूसरों का वीडियो देखता था और सोचता था कि क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और बहुत सारे इसके ऐड आते हैं, तो मुझे लगा कि खुद ही यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसका, अगर मैं अनुभव खुद से करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए मैंने खुद ही मंगा लिया और अपने ऊपर ही अप्लाई किया ताकि मुझे पता चले इसकी रियलिटी क्या है। तो रियलिटी मैंने बता दिया आपको, शुरू से लेके अंत तक मैंने क्या क्या इसके बारे में बताया है, कैसा कैसा अनुभव रहा है, मैंने सब कुछ शेयर किया है। सो आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, शुरू से लेके अंत तक वीडियो, इसके आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे मैं क्या करने वाला हूँ बालों के लिए, कहाँ जाने वाला हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। और कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, आपको पूरी कोशिश करूँगा एक एक कमेंट का जवाब देने के लिए। और सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो आदिवासी तेल का फाइनल रिजल्ट। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ,
और लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपको आगे भी मैं बताता रहूँगा मैं अपने बालों के लिए क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।